पर सारा काल परोठा बनके तैयार हो गया है। तो अभी वो सुबह का नाश्ता करने बैठी है। तो यहाँ पर है आलू परोठा, पीनट बटर और चाय। तो अभी धारा के पापा यहाँ पर कर्टन लगा रहे हैं, यहाँ पर तो लगा दिया है और यहाँ जो बर्तन का स्टैंड रखा हुआ था उस पर भी लगा दिया है। ये मेरा पुराना दुपट्टा था और ये साड़ी में से मैंने बनाई है, ये है। तो चलो अभी मुझे पराठे भी बनाने हैं और धारा स्कूल चली गई है, तो पहले मैं पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो तैयार हो गया है सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पर है करारा करारा आलू का पराठा, मसाले वाला दही और चाय। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। अभी आ गए हैं पूरे साल के गेहूं, आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं पूरे साल के गेहूं, गांव से मंगवाए हैं हमने। तो इसे भी अब एक काम मेरा और बढ़ गया है, तो इसे दो दिन के बाद या जब भी फ्री होंगी तभी मैं इसे अच्छे से साफ करूंगी। तो यही बताना था आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर, धारा फैमिली व्लॉग पर। तो व्लॉग तो मेरा सुबह से ही ऐसे कंटिन्यू स्टार्ट है, पर आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज झूले पर बैठती हूँ और यहाँ से ही आप लोगों का वेलकम भी कर लेती हूँ और व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी सारा काम सुबह का अच्छे से निपट गया है और आज सुबह धारा के पापा ने इस वाले रूम में भी पर्दे लगा दिए, और जो ये टीवी वाला रूम है इसमें तो मैंने कल ही पर्दे लगा दिए थे, पर बेडरूम वाले रूम में मुझसे पर्दे नहीं लग पाते। तो धारा के पापा ने वो तीनों पर्दे लगा दिए। उसके बाद हमारा चाय नाश्ता हुआ, फिर गेहूँ आ गए थे तो वो रखवाए, उसके बाद वो दुकान पर गए और मैंने घर का सारा काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी सारा काम निपटा कर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अभी दोपहर का खाना पीना बनाऊँगी। पर फ्रिज में आज कोई भी सब्जी नहीं है, तो आज शाम को सब्जी भी लाऊंगी। तो अभी तो मैं कोई भी दाल बना दूंगी, दाल चावल और रोटी तो चल जाएगा, क्योंकि सुबह ही हमने नाश्ते में आलू के पराठे खाए हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दाल चावल बना लूँगी तो भी हो जाएगा। रात को अच्छे से खाना बनाऊँगी, सब्जी रोटी और ये सब। तो दोपहर को तो दाल चावल ही बनाऊँगी, और आज शाम को सब्जी भी लेने जानी है और धारा के लिए चप्पल भी लाने हैं। तो आज शाम को 5 या 5:30 बजे मैं और धारा जाएंगे। हालांकि मार्केट हमारे घर के पास ही है, इतनी दूर नहीं है, 5 या 7 मिनट का ही रास्ता है, पर दोपहर को तो बहुत धूप होती है तो दोपहर को नहीं जाऊंगी, शाम को ही आराम से धारा जब सो के उठ जाएगी, चाय पानी हमारा हो जाएगा और बर्तन वो दीदी करके जाएगी, उसके बाद ही मैं और धारा जाएंगे बाजार में। तो सब्जी भी लाऊंगी और धारा के लिए चप्पल भी लाऊंगी। तो बस यही बात करनी थी। और हाँ, ये जो गेहूं आए हैं वो मैं कल से ही इसे साफ़ करने के स्टार्ट करूंगी, एक एक बोरी ही साफ़ करूंगी, एक साथ ये सारे इतने सारे गेहूं साफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि जब तो दोपहर को धारा सो जाएगी उसके बाद ही मैं ये गेहूँ साफ़ करूँगी। तो 2-3 घंटे का टाइम मुझे मिलेगा, तो हर रोज़ एक एक बोरी साफ करूँगी, तो 2 या 3 दिन में हो जाएंगी। तो बस यही बात करनी थी।
तो चलो दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, हम औरतों को तो एक के बाद सारे काम स्टेप बाय स्टेप करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक ले लेते हैं तो सभी लोगों को खाने पीने की ब्रेक लग जाएगी। तो चलो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो पहले खाना पीना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो अभी मैं और थारा जा रहे हैं मार्केट। तो अभी मैं और धारा चप्पल वाले के दुकान पर आ गए हैं, पर यहाँ पर मुझे जैसे चाहिए थे वैसे चप्पल नहीं थे, तो आज धारा के लिए चप्पल नहीं लिए और उसके बाद में सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई। और वहाँ से आकर और अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और रात के दिया बाती कर लिए हैं और अभी रात का खाना पका रही हूँ। मैंने रात के खाने में बैंगन की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी और मुझे कल साबूदाने के पापड़ भी बनाने हैं। तो अभी चलो खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। किचन समेट के तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ थैले में से निकाल कर अलग कर रही थी, इसे मुझे वॉश करना है और फिर इसे मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बीन्स लाई हूँ और खीरा लाई हूँ और ये मीठी शक्करकंदी और भिंडी और गुआरफली और तुरई भी लाई हूँ, ये देखो। तो अभी इसे मैं अलग कर लूँगी और अच्छे से पानी से साफ करके इसे थोड़ी देर रहने दूंगी, फिर उसे फ्रिज में लगाऊंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।